हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कृष्ण और मैं आज आप लोगों के लिए डीपीपी नई डीपीपी लेके आया हूं। तो बच्चों, इस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अंदर हम, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, केमिस्ट्री की डीपीपी डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले ही बच्चों मैंने आप लोगों के लिए डीपीपी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, उसके लिए आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो बच्चों, जिन स्टूडेंट्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ, वो टारगेटेड स्टूडेंट्स अपने हैं जो IIT जेई और नीट में 2019 में इसी साल जो बच्चे पेपर देने वाले हैं, उन बच्चों को बच्चों मैं टारगेट कर रहा हूँ। केमिस्ट्री की डीपीपी मेरे द्वारा प्रेजेंटेड है, कृष्ण कुमार चारक के द्वारा। अब बच्चों देखिए, मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैंने ये आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसके अंदर लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स भी हैं, कंप्लीट केमिस्ट्री 150 प्लस फ्री वीडियोज आप लोगों को अवेलेबल हैं। इस चीज़ की लिंक मैंने नीचे आप लोगों को दे दी है। ठीक है, अनअकेडमी पर आपको ये सारी वीडियो मेरी मिलेंगी। अगर बच्चों आप PDF वगैरह चाहते हो इनकी, ठीक है, तो आप लोग मुझसे इंस्टा के थ्रू जुड़ सकते हो फोटो वगैरह के लिए, और आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, दोनों चीज़ों की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए बच्चों, आज के इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले आपको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी थ्योरी थोड़ी बहुत बता दूंगा आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और ये इस तरीके से आपका बच्चों रिविजन होता रहेगा एक रेगुलर टाइम बेसिस के हिसाब से। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपको, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर दे रखी है बच्चों, इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको गलत बताना है, क्या चीज़ गलत है। ठीक है, जैसे आगरा वाले ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है बच्चों को, इट हैज 6 कार्बन एटम्स, के इसके अंदर 6 कार्बन एटम है। बॉम्बे वाले के अंदर क्या दे रखा है, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12। चेन्नई वाले के अंदर दे रखा है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है। और दिल्ली वाले के अंदर दे रखा है, इट हैज 6 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको बताना है इस स्ट्रक्चर के बारे में गलत क्या है। तो जैसे ही आपको यहाँ इनकरेक्ट आ जाए, तो उसको अंडरलाइन कर लिया करो, यानी कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहचानना ही पहचानना है कि इनकरेक्ट क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ को ना आप अंडरलाइन कर लिया करो, जिससे गलती ना हो, क्योंकि बच्चे करेक्ट पर टिक कर देते हैं। ठीक है, तो पेपर में इस तरीके की गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अब देखो, हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन अवेलेबल है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी मेरे कमेंट सेक्शन में बोला नहीं करें सर हिंदी में बनाओ। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी देख लिया करें। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है इसके पास, अगर हम इसके बारे में बात करें, इस पूरे कंपाउंड के बारे में, तो इस पूरे कंपाउंड के बारे में क्या बात हो रही है, इसके अंदर कितने कार्बन है, कार्बन गिनते हैं, तो 1 2, जो ट्राइंगल पर कार्बन, 3 कार्बन तो वो हो गए, और जितनी भी देखो यहाँ पर, एक ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, 6 कार्बन है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। इसके पास कितने कार्बन है बच्चों, 6 कार्बन है। अब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात आ जाए बच्चों, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर देखें, तो कार्बन कितने, 6, तो C6। अब हाइड्रोजन कितने, देखो इस वाले कार्बन पर कितने, इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई 4। ठीक है, 2 इधर से 2 और 1 सिंगल इधर से 1 सिंगल इधर से। ठीक है, इस तरीके से सारे कार्बन की इधर की वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। लेकिन हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, देखो यहाँ से आएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो क्या बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा बच्चों इसका, C6H6। ठीक, क्या बनेगा, C6 और आपका H6। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, C6H12, मतलब ये गलत दे रखा है। ठीक है, बॉम्बे बच्चों का आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। तो बच्चे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, कि इसको सबसे लोएस्ट रेशियो में, सबसे लोएस्ट रेशियो में आप क्या कर दोगे, बना दोगे। तो सबसे लोएस्ट रेशियो क्या रहेगा आपका, 6 से डिवाइड करोगे तो CH आएगा। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला CH है बच्चों, बिल्कुल सही बात है चेन्नई वाले। ठीक है, दिल्ली वाले के अंदर बोल रहा है कि इसका हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम कितने, 6 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम है। अब बच्चों हाइब्रिडाइज कैसे चेक करोगे, जैसे इस वाले कार्बन का चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ का कार्बन का चेक करोगे, तो यहाँ पर देखो कितनी लाइन बनी हुई है इस कार्बन से, 1 2 3, मतलब 3 साइड से घिरा हुआ है। तो जितनी साइड से घिरा हुआ होता है, उससे एक कम अपने को हाइब्रिडाइज कर दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से याद रखो। तो इस वाले कार्बन को देखा, कितनी साइड से घिरा हुआ है, 3 साइड से घिरा हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज। इस वाले कार्बन को देखा, कितने साइड से घिरा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से 1 साइड से, मतलब 3 साइड से घिरा हुआ है। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp2। तो कितने हाइब्रिडाइज sp2 कार्बन हुए इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम हुए, मतलब दिल्ली वाला भी सही है। ठीक है, तो आपको इनकरेक्ट पूछा था, तो आंसर क्या रहेगा, बस बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे आंसर आ जाएगा। बच्चों हिंदी वाले बच्चों के लिए देखो, अणुसूत्र बोलते हैं इसको, एम्पेरिकल फॉर्मूला को मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। ठीक है, और इसको संकरित कार्बन बोलते हैं, हाइब्रिडाइज कार्बन को। ठीक है, हिंदी में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों, मैंने एक्सप्लेन हिंदी में ही किया है। बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो आप लोग इन वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे, आप लोग भी सपोर्ट करो, मैं आप लोगों के लिए फ्री में वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप लोग भी सपोर्ट करो मेरी। आप इसके अलावा भी यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, बहुत सारी वीडियो बच्चों आपको मिल जाएंगी रेस नाम से, वहाँ पर आप लोगों के लिए फिजिक्स की वीडियो मिलेंगी, फिजिक्स की वीडियो भी आप लोग मेरे से रेगुलर बेसिस पर देख सकते हो। अब मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूटी वे में, मतलब एक कंटिन्यूस वे में आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा, तो आप लोग भी अब बेफिक्र रहें। ठीक है, बस तैयारी करते रहें, आप लोगों का सिलेक्शन हो। मैं चाहता हूँ आप अच्छे 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 से कॉलेज में जाएं, मेडिकल वाले बच्चे अच्छी मेडिकल कॉलेज में जाएं। ठीक है, जिससे आप लोग देश का अच्छा नाम कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू एंड बाय बाय। बच्चों शेयर कर देना, ठीक।